हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई मेंस 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। द फोकल लेंथ एफ इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ द स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर बाय। इसके बाद फोर ऑप्शंस गिवन है जिनमें एफ और आर को रिलेट किया गया है। क्या है ऑप्शन सुने आप। दो ऑप्शन एफ इक्वल टू आर और एफ इक्वल टू माइनस आर है, और दो ऑप्शंस एफ इक्वल टू माइनस आर बाय टू और एफ इक्वल टू आर बाय टू। अब यहां पर ध्यान दें, एक सिंपल सी प्रॉब्लम है जिसे एग्जाम में बिल्कुल इनिशियल इंस्टेंट पे किया जाना चाहिए। एक लाइन इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हम जानते हैं इस तरह के रिलेशन बनाने के लिए हमें यह बोलना होगा कि आप किसी मिरर में रे को केवल पैरा एक्सियल रेजेस के रूप में यूज कर रहे हैं। सो अगर केवल पैरा एक्सियल रेज की बात की जाए तो हम जानते हैं कि किसी मिरर के लिए फोकल लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन टू फॉर्मूले से दिया जा सकता है। सो इस प्रॉब्लम में दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमको ये माइंड मेकअप करना होगा कि ये प्रॉब्लम केवल पैराएक्सियल रेज के लिए पूछा गया है। सो एक छोटे मिरर के पीस के लिए एक्सिस के पैरेलल आने वाली पैराएक्सियल रेजेस के लिए ही आप इस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे। सो गिवन ऑप्शंस में से एफ इक्वल टू आर बाय टू को एक सही चॉइस होना चाहिए। थैंक यू।